और पार्टी के लोग ये कर्मकांड आपने कर दिया, उसके बाद कोई दूसरा काम भी करना है, ये जिम्मा क्यों नहीं उठाते, ये देखना आपका काम है। अध्यक्ष आप बने, अब आप इसको निपटाइए। बिल्कुल, देखना होगा कैसे इन तमाम मुद्दों पर आगे कोई समाधान ढूंढेंगे राहुल गांधी। लेकिन फिलहाल हमने एग्जिट पोल में भी अपने लगातार जो दिखाया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मामला टाई का हो गया था कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन फिर बीजेपी की बढ़त और जीत, कांग्रेस विकल्प नहीं बन पा रही है सर। हाँ, ये आप गुजरात का जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल एक समय ऐसा था जब हमें लग रहा था कांग्रेस के लिए अट्रैक्शन था और कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल जिसको हम कहते हैं डेड हिट 43-43%। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया और मुझे लगता है पूरे चुनाव का रुख बदल दिया, जो हमें साफ अभी दिखाई पड़ रहा है इन नतीजों में। बिल्कुल, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो एक पंजाब छोड़कर कांग्रेस का सफाया, सुन लेते हैं जरा पहले क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा सुनते हैं। शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने। मानवता को नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, विकास की एक नई राह दिखाएगा। गुजरात की और हिमाचल की जीत नरेंद्र भाई में जनता के विश्वास और श्रद्धा की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने जो विकास के काम किए हैं उस पर जनता ने विश्वास किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी सचमुच में अद्भुत हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उनकी कुशल रणनीति, घनघोर परिश्रम और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत।